एग्जैक्टली 10 मिनट्स के बाद बर्तन कौन धोएगा? यू प्रूव कि मम्मा झूठ नहीं बोलती. प्रेग्नेंट वुमेन बोलती है ना, मुझे इस चीज की क्रेविंग हो रही है. Bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see from up here. The world seems small. We can sit together. Just one finger. Two finger, three finger, four finger, five finger. I close, okay? Oh, we'll open one. One finger, two finger, three finger, four finger, five finger. Let's go again. Hey guys, welcome back to my channel. स्टाइल है कि मुझे क्यों पकड़ के रखे हो. आई मीन वो गोद में रहना चाहता है पर वो बैठना नहीं चाहता है. ही इज लाइक मुझे गोद में पकड़ो एंड देन मुझे घुमाओ, मुझे मॉल ले जाओ, मुझे ग्रोसरी स्टोर ले जाओ, लेकिन मुझे घुमाओ मतलब मुझे गोद में रखो बट आप चलते रहो, आप बैठो मत एक जगह पे. अभी हम नैप लेंगे, ठीक है? और जब नैप से उठेंगे ना हम बहुत फ्रेश फील करेंगे. ओके ओके हीटर तो नहीं चल रहा ना. तो कभी नैप ले रहा है, बिल्कुल टाइम नहीं लगा. मिल्क भी पूरा फिनिश नहीं किया क्योंकि बहुत ज़्यादा टायर्ड था. हमने ब्रेकफास्ट वगैरह कुछ नहीं किया. आई थिंक इट्स मेरा फोन का अंदर रह गया, अंदर जाना पड़ेगा. आई थिंक इट्स 11:45. यूजुअली ये जो पहला नैप लेता है वो 2 घंटे का लेता है. थोड़ा सोएगा तो उससे भी अच्छा लगेगा. एंड हमने बहुत तरह का बॉटल ट्राई किया, सिपी कप, वो जो 360 डिग्री सिपी कप वो, एंड स्ट्रॉ वाला. तो स्ट्रॉ में उसे एक्चुअली आई मीन ही सक्स बट उसे पता नहीं है कि किस तरह से सक करना है. तो वो तो इट्स नॉट वर्किंग. तो फाइनली ये बॉटल में उसे दे रहे हैं तो पी रहा है. कंपैरेटिवली पहले बिल्कुल नहीं पीता था तो पी रहा है. होपफुली पानी वैसे भी आई डोंट थिंक किसी भी बच्चे को अच्छा लगता है तो ही स्टिल ड्रिंकिंग. तो अभी हम भी कुछ ब्रेकफास्ट कर लेते हैं. मैंने कॉफ़ी बनाया था वो भी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ. तो जीत ने बोला कि वो पुरानी कॉफ़ी मत पियो क्योंकि 2-3 घंटे हो गए. तो आई थिंक मैं फ्रेश कॉफ़ी बना रही हूँ क्योंकि वो मैंने बिल्कुल नहीं पिया.
तो ये है वो कोकोनट शुगर जो मैं यूज़ करती हूँ। ये मतलब एकदम गेम चेंजर है, इससे कॉफ़ी का टेस्ट बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो जस्ट इन केस आप भी कॉफ़ी लवर हो। जब भी मैं इस कप में कॉफ़ी पीती हूँ ना, मुझे लगता है कि मैं सेंट्रल पर्थ के लोकेशन शूटिंग लोकेशन पे हूँ, सेट पे फ्रेंड्स के। अगर आपने देखा हो, दे ऑल्सो ड्रिंक था इतने बड़े बड़े मग में। तो कल एक्चुअली बहुत ही बुरा स्नोफॉल हुआ, पूरा शाम दिन से शुरू हो गया था, एक्चुअली दिन से शुरू हो गया था, पूरे शाम हुआ, पूरा आफ्टरनून, एंड हम सोने गए 12 बजे, तो तब तक हो रहा था। आज हम बाहर जाने वाले थे अगेन ग्रॉसरी के लिए, बट अभी तक बाहर देख के लग नहीं रहा है कि बाहर जाना इज़ अ गुड आइडिया। एंड मोर ओवर कबीर पे डिपेंड करता है, इफ़ ही इज़ फीलिंग यू नो थोड़ा बेटर, या फिर उसे देखने पे लगता है कि उसे अच्छा लगता है, ही इज़ नॉट फसी, देन हम जाएंगे, अदरवाइज। और कबीर सो रहा है तो मैंने सोचा कि मैं वीडियो अपना कंप्लीट कर लूँ। आज एक वीडियो जाने वाला है, जब तक आप ये वीडियो देखोगे वो ऑलरेडी देख चुके हो, गया वीक इन माई लाइफ, तो हो गया है, मुझे बस उसमें म्यूज़िक डालना है। ये क्या किया है आपने, क्या किया है बता दे सबको, बता दे सबको क्या किया है। ये इसको या मुंह में, अब नहीं लोगे ना जब सबको दिखाने का टाइम आया। हेलो, मुंह कहाँ छुपा रहे हो, उधर कहाँ देख रहे हो। आई नो नहीं करना चाहिए, बट मैं फिर भी करूंगी चबी चिक्स, मैं फिर भी परेशान करूंगी। चलो भाई चले बाहर। Dada says no. Mama says okay, I don't know. What Kabir says? देखो, हाँ दिखा दिया ना, good. You proved कि मम्मा झूठ नहीं बोलती। कबीर हाथ खुल गए, जहाँ वायर बटन रिमोट मोबाइल कुछ भी दिखा, कबीर वहाँ को पलट गया। कबीर, डैडा के साथ कैसे डांसिंग कर रहे थे? डैडा मुझे डांसिंग कराओ। मैं कराती हूँ, देखो कैसे कराते हैं, डैडा को कुछ नहीं पता। और एक जांची का स्टेप दिखाएं, ये इंडिया में बहुत फेमस है, लिसन कबो, लाइक फोन दिख रहा है मुझे, अच्छा लिसन कबो, ये बले बले, ये सब चीज बेस्ट लगा। एक्चुअली मेरा भी जाने का मन नहीं कर रहा, इट्स जस्ट नॉट ही रे, यू नो नीचे से नहीं खोला। बाबूजी धीरे चलना, प्यार में जरा संभलना, बड़े धोखे हैं इस राह में, बाबूजी धीरे चलना। आई नो आई सिंग ओके, नॉट बैड, डिड यू लाइक मम्मा सॉन्ग? ओके, थैंक यू, योर अप्रिसिएशन मीन्स अ लॉट।
इतना अप्रिसिएशन तो मैं दूसरी गाने गाने लगूंगी और फिर लोग भाग जाएंगे। सो जीत ने मेरे लिए ये प्यारा सा हार्ट शेप्ड स्क्रैम्बल्ड एग बनाया विथ एवोकाडो उसके टॉप में, एंड हियर वी आर वॉचिंग दिस मूवी। ये नया है नेटफ्लिक्स में, दिस इज चैलेंजिंग। कल हमने देखा था ये मूवी, ये यू हैव गॉट द मेल और यू हैव गॉट मेल, बहुत ही अच्छी मूवी थी 1998 की, बट अच्छी मूवी थी। टुडे एग्जैक्टली 10 मिनट्स के बाद रामू काका कैमरा तो पकड़ लिए, बर्तन कौन धोएगा? कहाँ है बर्तन? ये जो पड़ा हुआ है मुझे नहीं दिख रहा। तो कैसी लगी तुझे मेरी चॉइस की मूवी? मेरी चॉइस की मूवी वाज गुड, आई मीन एक बार देख सकते हो बिकॉज सस्पेंस खत्म हो जाएगा तो फिर दोबारा देखने का दुख बनता नहीं है। तो लूली सिंह बहुत इमोशनल था, आई मीन फाइनली उसको बच्चा मिलता नहीं है तो दैट वॉज रियली इमोशनल पार्ट। मिल जाता हैप्पी एंडिंग होती तो अच्छा लगता। आई हैव अ टिपिकल इंडियन मेंटालिटी अगर तुम्हें बोलना है तो, मुझे हैप्पी एंडिंग वाली मूवी अच्छी लगती है। तो आई मीन ठीक थी बट बच्चा नहीं मिलता यार, बट पीस पीस बच्चों का मर्डर। हाय कबीर, यू इंटरेस्टेड इन ईटिंग समथिंग क्रिस्पी? क्या बना रही है? तो जीत का एकदम से मन किया पकोड़े खाने का, आलू के पकोड़े। और ना 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 मन नहीं किया, मुझे 10 साल पहले प्रॉमिस किया गया था। हाँ ठीक है, मैंने प्रॉमिस किया था पर आज तुमने एकदम से बोला कि 10 साल पहले मुझे प्रॉमिस किया था और मैं तुम्हारा रिमाइंड कर रहा हूँ। और हमारे घर पे मैंने आज कल मैं पैनकेक बना रही थी चीला, और मैंने उसको बोला भी कि हमारे पास बेसन नहीं है। और ये ब्लॉग में भी मैंने दिखाया कि आई वॉज रेडी, मैं सुबह से रेडी हुई थी कि चलते हैं बाहर शॉपिंग के लिए। ये बेटा एंड उसका डैड ये लोग रेडी नहीं थे, दे वेर हैविंग अ लेजी डे। तो मैंने कहा चलो ठीक है मत जाओ, और पता था उसको कि बेसन नहीं है तो मैं कहां से बनाती, नॉट माई फॉल्ट राइट, मैं तो रेडी थी बनाने के लिए। तो मैं उसके बिना जस्ट आलू को क्या बोल रहे फ्राई करके उस पर थोड़ा सा सॉल्ट पेपर ये सब डाल के आई एम ट्राइंग कि उसको जो है उस तरीके से आपको खुश रखने की। तो yeah, I hope कि ये थोड़ा टेस्टी लगे। I'm trying to make crispy आलू, whatever possible। मैंने उसको बोला कि मैंने राजमा भिगोए हैं तो थोड़ा वेट करोगे तो मैं राजमा करी और चावल बनाती हूँ, like, मुझे अभी खाना है, मुझे आलू खाना है। लाइक प्रेग्नेंट वुमेन बोलती है ना, मुझे इस चीज की क्रेविंग हो रही है। एग्जैक्टली तुम्हारा वैसे ही था। एनीवेज सो दैट्स व्हाट आई एम मेकिंग, आई होप अच्छा लगेगा। It's okay. भूख लगी है तो फिर you will own me. Taste test. You rock. मुझे पता है फ्रेंच फ्राइज इससे बनता नहीं है, उसको फ्रीजर में रखते हैं ऑल दोस थिंग्स। नो दिस इज नाइस, रियली नाइस, क्रिस्पी है। कबीर इज गोना ईट। कबीर आप क्या खा रहे हो बता दे। ओके कबीर खाने वाला है ये राइस क्रस्क और वो हाथ बढ़ा रहा है, उसे बहुत अच्छा लगता है ये, है ना?
तुमने नोटिस किया कभी कि हेयर हमेशा इस तरह ऐसे रहते हैं जब ऑयल लगाती हूँ, वरना तो पुर होता रहता है। सो दिस इज कभी का स्नैक, राइस रस्क एंड वो डैडी का स्नैक, नो स्नैक। मैं जा रही हूँ थोड़ा वर्कआउट करने, एक्चुअली संडे है तो चीट डे, नहीं चीट डे की बात नहीं करी, वर्कआउट से चीट डे, क्योंकि मैं पूरे वीक कर रही हूँ। सिर्फ एक फ्रेंच फ्राई खाया मैंने, एक्चुअली टेस्टी है। नहीं सो अरे मैं केचप लाई थी, सॉरी मैं देना भूल गई, मैं केचप लेके आई थी पर मैं देना भूल गई। नहीं पर टेस्टी है ना, तो हमारे पास नहीं, हमारे पास क्विक फ्रेंच फ्राई का रेसिपी है। देखो ही इज आल्सो इंटरेस्टेड। तो इसके बाद बस मैंने थोड़ा सा वर्कआउट किया, हमने साथ में डिनर किया, थोड़ा सा स्क्रैबल खेला और बस सोने चले गए। सो दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो गाइज, आई रियली होप आपको अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो गिव दिस वीडियो अ थम्स अप, सब्सक्राइब इफ यू हैवंट ऑलरेडी, एंड वी आर गोना सी यू गाइज वेरी सून इन आवर नेक्स्ट वन। बाय गाइज।